हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ जेजे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स। मैं हूं जितेश। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी वन ऑफ द हॉटेस्ट मॉडिफाइड स्विफ्ट। तो भाई गाड़ी का जो वेरिएंट है भाई ये है अपना स्विफ्ट LXi। और आप लोग देखो भाई स्विफ्ट LXi को कितने नेक्स्ट लेवल तरीके से मॉडिफाई करा गया है। तो वीडियो में भाई आज सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या काम हुआ है, कैसी कैसी पूरी मॉडिफिकेशन हुई है। तो कोई भी पार्ट स्किप मत करना, बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, प्रेजेंटिंग विद द वन ऑफ द हॉटेस्ट मॉडिफाइड स्विफ्ट। तो भाई मैं आप लोगों को गाड़ी का वेरिएंट भी बता देता हूँ। तो भाई ये स्विफ्ट का बेस वेरिएंट है अपना स्विफ्ट LXi, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से मॉडिफाई करके अपना भाई ZXi प्लस से भी ऊपर बना दिया। हर एक मॉडिफिकेशन डिस्कस करने से पहले भाई आप लोगों को गाड़ी के ओनर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो भाई ये रहे हमारे मुदित भाई, तो मेरे बहुत खास फ्रेंड भी है और आप लोग जानते भी हो, क्योंकि मुदित भाई की गाड़ी हमने पहले भी फीचर कर रखी थी, क्योंकि भाई को तगड़ा ही शौक है हमारी तरह मॉडिफाई करने का। तो मुदित भाई पहले वाली तो मॉडिफिकेशन में लोगों को बता दी थी, अब आज बताओ हमने नया नया गाड़ी में और क्या करा दिया भाई। आगे स्पोर्ट्स का बम्पर डाला है, ऑस्ट्रेलियन वाली स्विफ्ट आती है ना उसका बम्पर डाला है, साइड स्कर्टिंग्स डाली हैं, अंदर एम्बेंट डाला है, बहुत चीजें हैं। तो ग्राफिक कराया आगे, तो मतलब कह सकते हो जो पहले काम कराया था उससे डबल ट्रिपल काम हो चुका है। तो भाई मैं आप लोगों को हर एक चीज बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी फ्रंट, और भाई फ्रंट की लुक देखो यार, मतलब ये डेफिनेटली आई कैचर और भाई हेड टर्नर है। जब भी ये रोड पे जाती है मुझे तो भाई लोग मुड़ मुड़ के तो जरूर देखते हैं। तो भाई सबसे पहले फ्रंट में जैसे कि भाई ने बताया इसके अंदर स्विफ्ट स्पोर्ट्स का बम्पर डलाया गया है। तो स्विफ्ट स्पोर्ट्स में क्या होता है, आप लोगों का फ्रंट बम्पर पूरा रिप्लेस होता है, इसका बम्पर, फ्रंट ग्रिल, फॉग लाइट, कवर, हर एक चीज़ पूरा रिप्लेस होता है। और मैं आप लोगों को थोड़ा पास से भी दिखाता हूँ। जो ये DRL देख रहे हो भाई, DRL भी स्विफ्ट स्पोर्ट्स का पार्ट ही है। इसके अंदर दो वेरियंट्स आते हैं, विद DRL और विदाउट DRL लो, बट हमने क्या करा है, हमने इसके अंदर विद DRL प्लस इंडिकेटर ले लिया। और लुक देखो भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, बहुत ही जेन्युइन लुक आ रही है इसकी। साथ में नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो इसके अंदर भाई जो फॉग लाइट्स है वो भी अपग्रेड करके अपने IPS के प्रोजेक्टर फॉग लाइट इंस्टॉल करा दी गए। पहले इसके अंदर जैसे कि स्विफ्ट LXi है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आता है, अपने खाली स्पेस आते थे, बट भाई ने इसके अंदर IPS के प्रोजेक्टर फॉग लाइट इंस्टॉल करवा दिया। तो बोलते भाई इनका रिस्पॉन्स कैसा है, रोड थ्रू कैसा है? बढ़िया है रोड थ्रू, मतलब मज़ा आ रहा है रोशनी में भाई, इतना मज़ा आ रहा है मैं ऊपर की लाइट नहीं जलाता। चलो ये भी अच्छी बात है। बाकी भाई नेक्स्ट चीज़ की बात करें फ्रंट से, तो इसके अंदर भाई ने यूनिवर्सल ABS स्प्लिटर भी इंस्टॉल करवाए हैं। तो स्विफ्ट स्पोर्ट्स का जो बम्पर आता है उसके अंदर भाई ऑलरेडी ये किट आती है, आप देख सकते हो ब्लैक कलर का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो आप लोगों का ये वाला पार्ट है, ये ऑलरेडी आता है, बट इसके नीचे भाई ने यूनिवर्सल स्प्लिटर्स भी ऐड करा दिए। तो इससे भाई दो बेनिफिट है, एक तो गाड़ी की जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो रही है, प्लस सेकेंड चीज़ है इससे गाड़ी ऐसा लगता है लोअर्ड फील है। तो मतलब भाई लोअर कराने का प्लान है भी अपना? प्लान तो भाई बहुत चीज़ होगा, धीरे धीरे करके कराएंगे सारी चीज़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी आप देख सकते हो फ्रंट से। और फ्रंट पे जो नेक्स्ट चीज़ और मेन चीज़ भाई ने नहीं कराई है वो कराई है ग्राफिक्स। तो ये कस्टम हैंडमेड ग्राफिक्स हमने इसके अंदर डिज़ाइन करे हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो जैसे कि ग्लॉस ब्लैक रैप में हमने प्रॉपर हैंडमेड डिज़ाइन करे हैं। तो ये भाई मुदित भाई और मैंने बैठ के डिस्कस किया था, लगभग मुझे 2 घंटे लगे थे डिसाइड करने में से भाई, कुछ 10 पहले बनाए, फिर उसके अंदर 4-5 शॉर्टलिस्ट करे, 4-5 के बाद ये बनाया डिज़ाइन। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा मज़ा आया बिल्कुल। बाकी भाई आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है ग्राफिक्स। और मतलब एक हमने सेम गाड़ी में एक और देखा था। हाँ ये कॉपी भी हो गया है भाई, एक्चुअली एक महाराष्ट्र की गाड़ी है उसमें कॉपी भी हो चुका है। हम कॉपी नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं कि हमने भाई एक ट्रेंड बनाया था और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई ये हमने बैठ के, मतलब मुझे तो और मैंने बैठ के बहुत डिस्कशन करा, हमने पेन पेपर पे डिज़ाइन करा था और फिर जाके हमने सोचा चलो ये फाइनल कर लेते, क्योंकि ग्राफिक्स ऐसी चीज़ है कि जब मर्जी लगा लो और जब मर्जी हटा दो आपके हाथ में है, मतलब एज सच कोई इसमें भाई दिक्कत भी नहीं आती, रैप है अपना निकालो। बाकी कॉमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं, मुझे तो भाई डेफिनेटली बहुत पसंद आ रहा है और मुझे भाई को भी बहुत पसंद आ रहा है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, और साइड प्रोफाइल में भी आप लोग लुक देख सकते हो। तो साइड प्रोफाइल में भाई जो मेन चीज इसके अंदर ऐड हुई है वो ऐड हुई है आप लोगों के साइड स्कर्ट्स। तो ये भी हमने भाई पियानो ब्लैक फिनिश में पेंट करा दी गई है, क्योंकि जितनी भी भाई बम्पर और आप लोगों की स्कर्टिंग्स आती है विदाउट पेंट ही आती है, इसके अंदर आप लोगों को पेंट कराना पड़ता है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया भाई ये गाड़ी हमने ऑलरेडी फीचर कर रखी है, अगर आप लोग उसकी और डिटेल्ड मॉडिफिकेशन जाननी है, मतलब जो पुरानी इसके अंदर हो रखी थी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख लेना और आप लोगों को और बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो साइड प्रोफाइल के लुक कुछ ऐसी आ रही है, साइड स्कर्ट्स में आप लोगों को थोड़ा सा क्लोजअप व्यू दिखाता हूँ, कुछ ऐसी इसके लुक आ रही है। एलॉयज की बात करें तो भाई ये इसके अंदर 16 इंच के एलॉय व्हील्स रखे गए हैं, क्योंकि भाई की रनिंग बहुत है, लगभग भाई 150-200 तो अपनी गाड़ी दिन की चल जाती है ये आराम से। तो टायर साइज की बात करो, दिस इज 205
50R60 लुक काफी अच्छी आ रही है, मल्टी स्पोक्स एलॉयज भाई आजकल बहुत ज्यादा इन है और स्विफ्ट पे भाई सुंदर भी लग रहा है। तो मुझे कल को अब 17 इंच डलाने का प्लान है अभी नहीं? अभी यार प्लान तो है लेकिन मेरी रनिंग की वजह से ना मेरे को देख के चलना पड़ता है इसको काफी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये देख सकते हो। बाकी भाई साइड में आज सच कोई भी चेंजेस नहीं है। अब चलते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल में, और बैक प्रोफाइल में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बैक प्रोफाइल भाई मेजर इसके अंदर हमने दो चेंजेस करे। एक तो भाई जैसे इसके अंदर हमने पहले आफ्टर मार्केट बैकलाइट डाली थी तो उसे हमने हल्का सा स्मोक टिंट दे दिया, क्योंकि गाड़ी का जो कंट्रास्ट है वो पूरा हमने ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में ही रखा है और आपको एक्स्ट्रा कोई खास कलर इसके अंदर मिलेगा नहीं। और आप देख सकते हो रेड अपनी व्हील एंड डिजाइन की जो आती थी मर्सिडीज इंस्पायर्ड, वो इसके अंदर बैकलाइट इंस्टॉल करी है साथ में अपनी स्मोक टिंट के साथ। तो इससे क्या है थोड़ी सी गाड़ी के साथ वो मर्ज हो गई है और सुंदर लग रही है। रेड बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही थी बट अभी चेंज करके हल्की से हमने इसे डल कर दिया। नेक्स्ट इसकी बात करें अपग्रेड की, तो भाई इस गाड़ी के अंदर अपना एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। पेट्रोल वेरिएंट है तो पेट्रोल के अंदर भाई एग्जॉस्ट बहुत ही बेहतरीन लगता है, और जो एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है भाई वो अपना वेल्वेट्रॉनिक वाला लगा हुआ है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट में क्या होता है, आप लोगों के पास एक रिमोट होता है जिससे आप इसकी जो साउंड है वो ऑन ऑफ कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी जो एग्जॉस्ट है वो ऑफ है और ऑन करके मैं आप लोगों को साउंड दिखा दूंगा। बट यहाँ से आप लुक देख सकते हो इसकी, रेमस का अपना कार्बन फाइबर वाला जो टिप वाला एग्जॉस्ट होता है वो उसके अंदर इंस्टॉल करिए। वो तो भाई एक बार रेफ करके दिखा दो। तो एग्जॉस्ट भाई फिलहाल के लिए ऑफ है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ऑफ है और अभी रेफ करेंगे तो आप देखना बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी गाड़ी, साइलेंट ही है मतलब। ठीक है अब मैं कर रहा हूँ यहाँ से ऑन, एग्जॉस्ट के साउंड भी आप लोगों ने सुन लिया है। तो भाई रिमोट सही ऑन ऑफ हो जाता है, अभी ऑन है, अब मैंने ऑफ कर दिया तो अब गाड़ी बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है। तो इससे भाई आप लोगों को एक बेनिफिट है, आप फैमिली वगैरह के साथ जा रहे हो, आप लोगों को एग्जॉस्ट सुनने का मन नहीं है तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। तो मतलब भाई ये बड़ी हेल्पफुल चीज है वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट। बाकी गाड़ी की परफॉर्मेंस में क्या फर्क आया चलाने के बाद? भाई फर्क तो काफी आया है क्योंकि पहले नॉर्मल पाइप होता है 1.5 mm का पाइप होता है, अब 2 mm का पाइप हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो गया है तो अच्छा, मतलब रोड पे भी बढ़िया प्रेजेंस ऑफ वो बढ़िया। बाकी चलाने में कोई फर्क आया गाड़ी में? थ्रॉटल रिस्पांस कैसा हो गया? थ्रॉटल रिस्पांस अच्छा हो गया भाई, और पिकअप में भी फर्क आ गया काफी। तो भाई क्योंकि जो एग्जॉस्ट होता है वो बेसिकली आप लोगों का परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन ही होती है, उससे काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। बाकी भाई ये चीज मुझे बहुत सही लगती है, और आप लोगों का पेट्रोल गाड़ी है तो भाई वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट आप बिल्कुल लगवा सकते हो, तो बस अच्छी चीज है। बाकी भाई बाहर से इसके अंदर एज सच और कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं, कंप्लीट डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाली वीडियो देख लेना, आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस की मिल जाएगी और आपको पता लग जाएगा। तो भाई बात हो गई सारी बाहर से, अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, वो भी दिखाता हूँ उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है। सो गाइस गाड़ी के इंटीरियर में भी आ चुके हैं, तो इंटीरियर में आप लोगों को बताता हूँ उसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं भाई मेजर, और पिछली बार से इसमें क्या नया ऐड हो गया। मीटर भाई इसके अंदर पहले ही लगा हुआ था, तो जैसे कि स्विफ्ट LXi वेरिएंट है तो उसके अंदर भाई अपने ZXi प्लस का जो ओरिजिनल मीटर आता है अपना मारुति सुजुकी का, वो उसके अंदर हमने इंस्टॉल करवा रखा है। तो भाई अगर आप लोगों का स्विफ्ट LXi है तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि ये चीज आप लगवा लो। इसे लगवाने के बाद भाई गाड़ी की जो लुक है ना और चलाने का भाई गाड़ी को और एक अच्छी फील आती है। तो आप देख सकते हो हर एक चीज बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, अपना RPM मीटर वगैरह, पेट्रोल गेज, टेम्परेचर गेज, हैंड ब्रेक वगैरह का और लाइट वगैरह का भी भाई जो पॉइंट है, देखो हर चीज बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है। तो अब भाई बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या नए चेंजेस करे गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई जो आप देख सकते हो ये स्टीरियो फ्रेम है, इसे अपना कार्बन फाइबर में हमने हाइड्रो डिप करा दिया गया, साथ में जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट अपनी कार्बन फाइबर फिनिश में से हाइड्रो डिप करा दिया गया। तो उससे जो लुक आ रही है ना भाई इंटीरियर की बहुत ज़्यादा अमेजिंग आ रही है। पहले अपना मैट ब्लैक सा आता था बट उसमें कोई खास फील नहीं आती थी, तो ये चीज़ आप देख सकते हो इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। नेक्स्ट चीज़ की बात करें भाई इसके जो पिलर्स है वो भी हमने ब्लैकआउट करा दिए गए हैं, इधर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो ये भी अपना भाई हाइड्रो डिप करा दिए गए हैं पिलर्स, बैक वाला भी, तो ABC पिलर्स तीनों इसके अंदर हाइड्रो डिप हो चुके हैं और इसके भी लुक कुछ देख सकते हो अपनी ऐसी आ रही है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो भाई इसके अंदर एम्बिएंट लाइट भी इंस्टॉल कराई हुई है अपनी ऐप कंट्रोल्ड वाली। तो बेसिकली भाई ये अपनी कार्डी ब्रांड की जनरेशन 2 जो एम्बिएंट लाइट आती है वो इसके अंदर इंस्टॉल करी है अपने स्विफ्ट LXi वेरिएंट में, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ देखो, और पीछे से भी आप देख सकते हो भाई एम्बिएंट लाइट वगैरह के लुक। तो अपनी ये ऐप कंट्रोल्ड होती है और फोन से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, जो आपका मन करे अकॉर्डिंग टू योर विश वो इसके अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो। तो ये इसके अंदर भाई पहले नहीं था, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल करी गई है। थोड़ी पीछे से मैं आप लोगों को लुक दिखा देता हूँ देखो, कुछ ऐसी आ रही है। रात में भाई इसकी बहुत एक अच्छा इंपैक्ट आता है एम्बिएंट लाइट का, और फुल आप लोगों को ब्राइट दिखती है। अभी दिन में तो शायद इतना नहीं पता लग रहा होगा, इधर से भी आप देख सकते हो कंप्लीट।
तो ये इसके अंदर कुछ भाई नई चेंजेस कराई गई, साथ में भाई गाड़ी का जो ऑडियो है वो भी अपग्रेड कराया गया, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर भाई अपना स्पाइनर की ऑलरेडी स्क्रीन लगी हुई थी 5590, साथ में भाई इसके अंदर मशेटे की आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स भी आ चुके हैं अपने मशेटे के। इसके अंदर हमने डेव बॉन्स के मिड रेंज ऐड करे हैं 4। तो मुझे जब मिड रेंज डालने उसके बाद आवाज कैसे फर्क आया? बहुत फर्क आ गया भाई, मतलब वोकल्स काफी बढ़ गए हैं गाड़ी में, 20-30% और बढ़ गए बिल्कुल। तो ऑडियो सेटअप में मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसके अंदर भाई अभी हमने 4 डेव बॉन्स के मिड रेंज डाल रखे हैं, एक 4-चैनल एम्पलीफायर है और एक और 4-चैनल एम्पलीफायर है जिसपे वूफर और साथ में जो भाई हमारे पाइनर की TOS 20 है वो इसके अंदर रन कर रहे हैं। 4-चैनल भाई इसलिए रखा था क्योंकि वूफर बहुत ज्यादा हेवी नहीं है, अपना रॉकफोर्ड का जो R1 सीरीज का वूफर आता है वो इसके अंदर हमने इंस्टॉल करा गया। तो एक बारी मैं NCS का म्यूजिक भी सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को इसका आउटपुट भी सुनाता हूँ, साथ में भाई इंटीरियर की जो पूरी लुक है वो भी आप दोबारा से देखना। सो गाइस NCS के म्यूजिक भी हमने यहाँ पे सेट कर लिया, तो आप लोग नाम देख सकते हो भाई, ये वाला नाम है जो हम इसके अंदर, ये वाला सॉन्ग है जो हम प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ से कर रहा हूँ मैं प्ले और सुनना आप इसका आउटपुट। आउटपुट भी आप लोगों ने सुन लिया होगा भाई, आप लोगों को पता लग गया होगा कैसा आउटपुट आ रहा है। तो भाई यही था आज अपने स्विफ्ट LXi की मॉडिफिकेशन में क्या भाई इस गाड़ी के अंदर करा रखा था। मेजर तो भाई इस गाड़ी के बाहर से ही जो चेंजेस थे वो करा रखे थे, फुल जो भाई लुक चेंजेस करे थे कंप्लीट। तो बाहर से जो कॉस्मेटिक मोड्स हुए थे ना इस गाड़ी में भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के हो रखे हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। फिर तो बात हो गई भाई गाड़ी की कंप्लीट मॉडिफिकेशन की, आप इंजॉय करो कुछ भाई आप लोग इसके सिनेमैटिक शॉट्स और मूविंग शॉट्स, और फिर करते हैं अपनी बाकी की बातें। Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. सो गाइस आप लोगों ने अपनी गाड़ी के अंदर कंप्लीट मॉडिफिकेशन देख ली होगी, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे भाई आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी, मॉडिफिकेशन आप लोगों को क्या अच्छी लगी क्या नहीं लगी। तो मुझे तो भाई अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या प्लान कर रहे हैं वो थोड़ा सा बताओ ऑडियंस को। भाई नेक्स्ट चीज़ अभी काफ़ी चीज़ें हैं वैसे नेक्स्ट चीज़, लेकिन स्पोर्ट्स बैक स्पोर्ट्स रियर बम्पर का वो प्लान है बिल्कुल। बाकी भाई इसके अंदर अभी एक और जो हमारा प्लान है वो है कि जो स्विफ्ट LXi के जो अंदर वाले जो पैनल्स है उसे चेंज करके हम ZXi प्लस वाले भी लगाएं, तो उसके भी आप लोगों के पास अपडेट आ जाएगा और आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप लोगों को इसकी गाड़ी की कंप्लीट डिटेल चाहिए तो जो लास्ट वीडियो आप लोग वो देख लेना, उससे आप लोगों को और बेटर एक जजमेंट हो जाएगी गाड़ी के अंदर सारा कुछ A to Z जो मॉडिफिकेशन है वो क्या हो रखी है। तो भाई आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो भाई आप लोगों को पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। और साथ के साथ आप लोगों के मन में क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे कि भाई ये गाड़ी का काम कहाँ से हुआ है, तो मुझे तो भाई बता देंगे, मुझे भाई बता दो कहाँ से हुआ है भाई, मॉल से डिटेलर्स एंड कस्टम से ही हुआ है। तो भाई ये अपने स्टोर से ही सारा काम हुआ था, और जैसे कि मैंने बताया भाई भाई हमारे बिल्कुल खास फ्रेंड है, तो सारा जो स्टोर जो गाड़ी रेडी हुई है वो अपने स्टोर पे ही रेडी हुई है। अगर आप लोगों को भी कराना तो भाई आप सेम जो काम है वो करा सकते हो, उसकी भी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों को सीधे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।